दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो लगातार गिरावट दिखा रही है। ये कंपनी वो है जो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी गिरावट के दौर से गुजर रही थी, लेकिन आज एक आप कह सकते हैं निचले स्तरों से तेजी और बाजार के बंद होने से कुछ ही समय पहले एक शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली। तो क्या अब यहाँ से एक बड़ी तेज़ी होने वाली है? अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो स्टॉक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए जो बहुत ऊपरी स्तरों से फंसे हैं, और देखिए इस स्टॉक में वाकई में लोग बहुत बहुत ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी स्टॉक टेक्निकली वीक है। कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ से जब तेज़ी होगी तो स्टॉक आप देखेंगे तो एक बड़ी तेजी दिखाता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जो तमाम इश्यूज थे रिजॉल्व हो चुके हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी तेजी होती हुई दिखाई देगी? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोज बनाता रहता हूँ, इसके लिए चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेकर चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। कितनी? 1.5% से भी ज़्यादा की आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही होगी। ठीक, इतना ही नहीं दोस्तों, स्टॉक इतनी भयंकर गिरावट दिखाया है, स्टॉक से लोग इतने ज़्यादा भयभीत हैं कि आपको मैं दिखाऊँ पिछले एक साल में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट निवेशकों का जो पैसा है वो 40% ख़राब कर चुके हैं। और पिछले 5 साल में लेकर के जाऊं तो दोस्तों स्थिति और बदतर दिखेगी आपको। स्टॉक 1100 से ऊपर एक समय था, वहां से 55% से भी ज़्यादा का टूट चुका है। और देखिए स्टॉक का जो पिछले 5 सालों का लो है दोस्तों वह पाएंगे 420 रुपये के आसपास, और स्टॉक 490 के ऊपर क्लोज दिया है। तो देखिए अब बात करता हूँ टेक्निकल्स की। सबसे एक पॉजिटिव चीज़, आज स्टॉक ने 490 की, जी हाँ दोस्तों 490 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी एक मजबूती आपको इस स्टॉक में देखने को साफ साफ मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, सिर्फ एलेम्बिक फार्मा नहीं, पूरा का पूरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो सेक्टर है वो US में लगातार जारी प्राइस इरोजन से परेशान था, लेकिन वहाँ से खबर ये आ रही है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो फार्मास्यूटिकल में जो जेनरिक बिजनेस होता है वो हर साल 5 से 8% की गिरावट दिखाता है ये प्राइस के हिसाब से, ठीक है, ये नॉर्मल दोस्तों। लेकिन पिछले साल ये होता है कि ये 5 से 8% की बजाय 15 से 20% गिर जाते हैं जेनरिक मेडिसिन के प्राइसेस, और यही कारण है कि पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट से गुजर रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट से, और यही कारण है कि भाई साहब जो एलेम्बिक फार्मा है ना, इसमें आप देखेंगे तो ये भी इसका स्टॉक था, इस पर भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन US से जो खबर आ रही है कि भाई अब वापस से इस साल जो प्राइस इरोजन है वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, एलेम्बिक फार्मा के जो आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और जो इस बार का Q4 के नंबर्स आएंगे ये कुछ स्तरों पे आपको अच्छे नंबर दिखेंगे, लेकिन जो इसके बाद Q1 के नंबर्स आएंगे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, वो वहाँ से एक अच्छी रिकवरी, एक शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। US से जो डिमांड जो अचानक से गायब हो चली थी वो भी वापस आ रही है कहा जा रहा है, तो मोर और लेस तमाम इश्यूज अब रिजॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं भाई टेक्निकलिटीज़ की। देखिए एलेम्बिक फार्मा के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 580 ना दोस्तों, 580 से 585, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी बाउंस करके 590 के ऊपर क्लोज दे चुका है, ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और आने वाले 2 से 3 दिन इस बात को देखना है कि क्या ये जो मजबूती है ये आगे भी सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है, इसके लिए हमको ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एलेम्बिक फार्मा की या पूरी फार्मा सेक्टर की आने वाले समय में एक सेक्टर जो रिवाइवल होने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। तो वो निवेशक जो अभी अभी से 480 के आसपास लिए हैं बहुत अच्छा किया है, जिन लोगों ने यहाँ एवरेज किया है मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हाँ
कोई बहुत बड़ी रैली अभी मत सोचिए, अभी फार्मा सेक्टर अभी दबाव में है दोस्तों, लेकिन जो सबसे बुरा समय था एज अ सेक्टर का वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर क्वार्टर फोर में इसके आप कह सकते हैं अगर निशान देखने को मिलेंगे तो फिर बाजार वापस से इन समय निवेश करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।